जगह का नाम सीतापुर और ये घर तारक बाबू के हैं। वो सोनामुंडी हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक थे। 82 वर्ष की आयु में बुढ़ापे के कारण उनका निधन हो गया। अब उनके मौत के 1 महीने हो चुके हैं। तारक बाबू के छोटे बेटे अनिमेश एक राष्ट्रायत बैंक में नौकरी करता है, तो प्रतिदिन सुबह वो ऑफिस जाया करता और उसके ऑफिस जाने के समय पत्नी अर्पिता आंगन में आकर खड़ी रहती। तारक बाबू के बड़े बेटे अजय प्रतिदिन सुबह के 8:30 बजे अपना साइकिल लेकर घर से निकल जाता है और ये अजय की पत्नी अजंता। इस घर में जब किसी के पति घर से निकलते हैं, तब वो दरवाजे के बाहर चले जाने तक उनके पत्नियां आंगन या बारिंदे में खड़ी रहती, जैसे कि ये इस घर की रीति बन गई है। अजय आलू का कारोबार करता है। पीपुल मोड़ पर उसका आलू का आड़त है। आस पड़ोस के किसानों से आलू खरीद कर वो अपना कारोबार करता है और अजय इस इलाके का सबसे बड़ा आलू के व्यापारी है। सुबह के ठीक 9 बजे अर्पिता अपनी बेटी अनुष्का को लेकर घर से निकलती। अनुष्का सुनीति कुमार बालिका विद्यालय में 6 कक्षा में पढ़ती है। प्रतिदिन अर्पिता अनुष्का को स्कूल छोड़ने जाया करती। अनुष्का ने अपनी मम्मी से कितनी बार कहा है कि इसी गांव में स्कूल है, बस 5 मिनट का रास्ता, वो खुद चली जाएगी, पर अर्पिता एक दिन के लिए भी अनुष्का को अकेला जाने नहीं देती। बाबू, हे बाबू। हाँ। जल्दी नीचे आ जाओ, खाना गरम कर दिया है, देर मत करना। यह है अजय और अजंता के इकलौता बेटा अर्घ्यदीप। सभी घर वाले उसे बाबू कहकर पुकारते हैं। अर्घ्यदीप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। इस घर के दूसरी मंजिल पर 2 कमरा है। एक में पूजा आदि होती है और दूसरा कमरा खाली पड़ा था। पिछले साल से बाबू उस कमरे में रहना शुरू किया है। पर्सनल कमरा और स्मार्टफोन, ये दोनों चीजें अगर इस उम्र में किसी को मिल जाए तो ज्यादातर बच्चे का दिमाग घूम जाते हैं, जैसे कि बाबू के साथ हुआ है। कमरे में नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है तो वो कमरे के बाहर आकर ज्यादातर समय कानों में हेडफोन लगाकर फोन पर किसी के साथ बातें करता है। बहुत धीमी आवाज में वो बात करता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। कॉलेज जाना और फोन पर बातें करना, इसके अलावा बाबू को और कुछ काम करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। देर रात तक बाबू के कमरे में लाइटें जलती है और सुबह 9 बजे से पहले वो कभी नींद से नहीं उठता। बाबू, दिन ब दिन बाबू बिगड़ते जा रहा है, ये बात सबके समझ में आ रहा है। खाना सिर्फ गरम अजंता कर दिया है, सब कुछ देखते हुए भी ना समझने की कोशिश करती है। इसलिए वो सबको कहती है कि बाबू पढ़ाई के बारे में अपने दोस्तों से फोन पर बातें करता है और देर रात तक अपना पढ़ाई करता है, इसलिए वो सुबह सुबह उठ नहीं पाता। तो वो बाबू के उठने के बाद सुबह के 10 बजे नाश्ता तैयार करके फिर बाबू को बुलाती है। इस घर में सब कुछ टाइम से होती है, पर एक काम करने के लिए लगभग सभी कभी ना कभी भूल जाते हैं। वो काम है इस घर के सबसे बड़ी सदस्य को खाना परोसना। ये है तारक बाबू के धर्म पत्नी सीमा देवी। पेड़ के छाव में वो चुपचाप बैठी रहती है। अपने पति को खोने के बाद से सीमा देवी यहाँ बैठकर चुपचाप रोती रहती है। इनको संतना देने के लिए भी इस घर में किसी के पास जरा सा भी वक्त नहीं है। सुबह सीमा देवी को नाश्ता देने के लिए जिम्मेदारी है अर्पिता के ऊपर, लेकिन अर्पिता अनुष्का को स्कूल छोड़कर शिवांगी के मम्मी के साथ गप्पे किया करती। कभी कभी तो अर्पिता बहुत समय तक गप्पे करती, तब उसे याद भी नहीं रहता कि उसे घर जाकर भूखे सासू माँ को नाश्ता देना है। जब जब अर्पिता घर लौटने में बहुत देर कर देती, तब अजंता घर में रहते हुए भी बूढ़ी सासू माँ को नाश्ता देने के बारे में सोचती भी नहीं, बल्कि इस घर की काम वाली दीदी राधा ये सब देखकर रह नहीं पाती, तो वो नाश्ता लेकर सीमा देवी को परोस देती। कुछ समय बाद अर्पिता घर लौटकर जब देखती कि माँ जी को राधा ने खाना परोस दिया है, तब वो कहती, ओ राधा, तूने माँ जी को खाना परोस दिया, बहुत अच्छा किया, देख ना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई आज। जब तारक बाबू जिंदा थे तब सीमा देवी खुद अजंता या अर्पिता को बुलाकर खाना परोसने के लिए बोल देती, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद सीमा देवी शोक और दुख में बहुत कमजोर हो गई है, तो अब वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। जब कोई खाना देता है तो खाते हैं और नहीं देते तो भूखे ही रहते। हाय राधा, और कितनी देर तक वहाँ बैठी रहेगी, तेरा कोई काम काज है कि नहीं, जल्दी आके रसोई घर में पड़े हुए झूठे बर्तनों को धो दे,
दो दिन के नौकरानी अभी उस बुढ़िया की बेटी बनने चली। राधा जल्दी जल्दी रसोई घर में चली गई। असल में जब कोई खुद का कर्तव्य करना नहीं चाहता और कोई दूसरे व्यक्ति आकर वो कर देता है, तब गुस्सा तो आएगा ही। अजंत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीमा देवी बैठे बैठे सोचती है कि जीवन के आखिरी दिन वो कैसे बिताएंगे। तारक बाबू जिंदा रहते ही बूढ़े माता पिता को कोई गुरुत्व नहीं देता। इतने बड़े घर में सिर्फ उन दोनों के रहने के लिए जगह नहीं हो रहा था। दोनों बेटे अपने अपने पसंद के घर लेने के लिए रोज दिन झगड़ा किया करता। परेशान होकर तारक बाबू बहुत मुश्किल से आंगन में एक छोटे घर बनाकर रहने के लिए मजबूर हुए थे। हालांकि इतना बड़ा घर एक दिन तारक बाबू ने ही बनवाए थे। लोन लेकर इतने बड़े घर को बनाने के लिए बहुत खर्चा हुआ था। ये सभी बातें बहुएं कैसे समझेगी जब दोनों बेटे ने ही याद नहीं रखा। 2 साल पहले एक बार तारक बाबू बहुत बीमार हो गए थे। तब पिता के इलाज के लिए कौन पैसा खर्च करेगा और रोज रोज पिता को देखने के लिए अस्पताल भी कौन जाएगा। इन सब बातों को लेकर दोनों बेटे और दोनों बहू के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों बेटों में से कोई भी पिता माता की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं थे। ठीक होने के बाद तारक बाबू सीमा देवी से ये सब बातें सुनने के बाद अपने पेंशन के पैसों को इकट्ठा करके उन्होंने एक फंड खोले थे, ताकि उन दोनों के मौत के बाद अजय और अनिमेश उस फंड के पैसों से उनके और सीमा देवी के अंतिम संस्कार कर सके। और पति पत्नी के मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच में खर्चा कौन करेगा इस बात पे झगड़ा ना हो। एक दिन शाम के वक्त अर्पिता और उसकी बेटी अनुष्का अपने कमरे में आपस में बातचीत कर रही थी। तब सीमा देवी आंगन में उस पेड़ के नीचे बैठी थी। आंगन से माँ बेटी की बातचीत अच्छे से सुनाई दे रही थी। अच्छा मम्मी, पिछले हफ्ते आप और ताईजी मिलकर बात कर रहे थे कि हम सब मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। दादाजी के अंतिम करियर के बाद अब सब बहुत थक गए हैं, तो घूमने से थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगा। हम सब कब जाएंगे मम्मी? आज से मेरे स्कूल में भी छुट्टी शुरू हो गई। हाँ जाएंगे ना, लेकिन उस बुढ़िया को लेकर हम दोनों बहुत दुविधा में पड़ गए हैं। उन्हें कहाँ और किसके पास रख कर जाएंगे, बस इस बारे में कुछ तय नहीं हुआ। क्यों मम्मी, दादी माँ को भी हमारे साथ ले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब है क्या? बुढ़िया को लेकर भला घूमने कौन जाता है? ये सभी बातचीत सुनकर सीमा देवी को बहुत बुरा लगी। वर्षों से इस परिवार को तथा इस संसार को अपने हाथों से सजाया है। आने वाले दिनों में ना जाने और क्या क्या सुनना पड़ेगा, सीमा देवी यही सोच रही थी। आमतौर पर रात के 8 बजे तक सीमा देवी सो जाती है, पर आज उनको नींद नहीं आ रही थी। अर्पिता की कही हुई वो सभी बातें बार बार याद आ रही थी। हालांकि एक दिन सीमा देवी ने खुद पसंद करके अर्पिता को इस घर की छोटी बहू बनाकर लाई थी। अर्पिता बहुत गरीब घर की लड़की है। इस घर में आने के बाद कभी कभी अर्पिता सीमा देवी से कहती कि आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आज वो माँ सिर्फ एक बूढ़ी है। ये सब सोचते सोचते अचानक कुछ लड़कों के आवाज आने लगी। अर्घ्यदीप यानी कि बाबू के कुछ कॉलेज फ्रेंड आंगन में गप्पे कर रहे थे। सूरज ढलने के बाद अजंता अपने बाबू को घर से बाहर निकलने नहीं देती और ऊपर बाबू के कमरे में बाहर की किसी को भी ले जाने के लिए मना करके रखा था। तो बाबू कभी कभी अपने दोस्तों के साथ आंगन में खड़े खड़े गप्पे किया करता, लेकिन आंगन में अड्डा ठीक से नहीं जमता। अब वे बड़े हो रहे हैं तो अड्डे देने के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए बाबू ने अपने दोस्तों से कहा, अरे और ज्यादा दिन बाकी नहीं, देखना जब बुढ़िया भी मर जाएगी ना तब उस घर का क्या होगा, हम ले लेंगे, फिर उस घर में बैठकर मजे से अड्डा देंगे, ठीक है ना? सभी ने सोचा था कि सीमा देवी सो गई है, पर ये किसी को पता भी नहीं चला कि आज वो सोई नहीं। जैसे कि घाव के ऊपर नमक छिड़कना। शाम को अर्पिता की कही हुई वो सभी बातें इनको बहुत पीड़ा दे रही थी। एक घाव भरा नहीं, अब बाबू के मुंह से ये सब बातें सुनना पड़ा। सीमा देवी को अंदाजा भी नहीं था कि कभी भी बाबू इस तरह के बातें कर सकता है। अब सीमा देवी मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर ये समझ गई थी
कि अब इस घर के सभी के लिए वो सिर्फ एक बोझ है जिसके मौत के बाद सब चैन के सांस ले पाएगा। आज रविवार है, अनिमेष का ऑफिस छुट्टी है और अजय का आरोध भी रविवार को बंद रहता है, तो सभी आज घर पर है। आज राधा काम पर नहीं आई, इसलिए दोनों बहू के दिमाग खराब हो रही है ये सोचकर कि घर के इतने सारे काम का जब कौन करेगा। और इधर किसी को ख्याल भी नहीं है कि सीमा देवी घर पर नहीं है। सुबह के 10 बजे अर्पिता नाश्ता देने के लिए सीमा देवी के कमरे में आई तो देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है, सिर्फ बिस्तर के ऊपर सीमा देवी के लिखी हुई एक चिट्ठी पड़ी है जिसमें लिखा है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, कोई मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, तुम सबके बोझ। सीमा देवी कब और कहाँ गई है कोई नहीं जानता। सभी घर वाले बारिंदे में आकर इकट्ठा हुए हैं। तब अनिमेष ने कहा, ठीक है, जब उन्होंने किसी को ढूंढने के लिए मना किया है तो नहीं ढूंढेंगे। बुढ़ी उम्र में इतना तेज, उनको जहाँ जाना है जाने दो। मुझे लगता है माजी राधा के घर में गई है, देख रहे हो ना, आज राधा काम पर भी नहीं आई। राधा के साथ माजी के बहुत जमती है, मैंने खुद देखा है, मौका मिलते ही दोनों धीमी आवाज में बातें किया करते। राधा के घर में वो कैसे रखेगा, वो खुद अच्छे से नहीं खा पाते। अगर आपकी बात सही निकला तो चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन राधा के घर में रहकर जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब देखना, अपने आप घर वापस आ जाएगी। अरे अनिमेष, क्या तू भूल गया है, अगले महीने से माँ का पेंशन चालू हो रहा है। मुझे लगता है राधा ने सब कुछ जानते हुए माँ को अपने बातों में फंसा कर खुद के पास रखा है। हर महीने पेंशन में जो पैसा मिलेगा, राधा ने एक साथ उतना पैसा शायद कभी देखा भी नहीं होगा। क्या बोल रहे हो भैया, मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं। सच में मानना पड़ेगा, आपके कितना बेहतरीन बिजनेस दिमाग है, कितना अच्छा कैलकुलेशन किया है। अब तो माँ को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी चलो हम सब मिलकर राधा के घर में चलते हैं, कैसे भी करके माँ को समझा कर घर वापस लाना ही होगा। कहते हैं चटमंगनी पट बिया, पैसों का स्वार्थ है, इसलिए सीमा देवी को घर ले जाने के लिए सब मिलकर तुरंत राधा के घर में हाजिर हुए थे। सबको देखकर सीमा देवी ने कहा, तुम सब कष्ट करके यहाँ क्यों आए हो, मैं तो चिट्ठी में साफ साफ लिख कर आई हूँ कि कोई मुझे नहीं ढूंढेगा। शुरू में ही मैं कह देती हूँ, कोई भी मुझे घर लौटने के लिए नहीं बोलेगा, आज से यही मेरा घर है। तुम सबसे बहुत दूर कहीं जाने के लिए मैं सूरज उठने से पहले ही घर से निकल गई थी ताकि कोई मुझे देख ना सके, लेकिन रास्ते में जाते समय राधा ने मुझे देख लिया और जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई और मुझसे कहा, तुम ठीक से चल भी नहीं पाती हो, इस हालत में कहाँ जाओगी, तुम मेरे पास रहोगे। तब मैंने भी सोचा पेंशन के पैसों से राधा और उसके पति के अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा, गरीब लोग कैसे मेरे लिए खाने पीने का खर्चा करेगा। लेकिन राधा के पति ने मुझसे कहा, पेंशन के पैसे हमें नहीं चाहिए माँ जी, इतने सारे पैसे लेकर हम क्या करेंगे, वो पैसे अब बाबू लोगों को दे देना, हम दोनों मेहनत करके पेट चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत से हमारे पास रह सकते हैं। जब तुम सबको पता चल ही गया है कि मैं यहाँ रहूंगी तो अब हर महीने तुम में से कोई आकर मुझसे पेंशन के पैसे लेकर जाना, समझे। अब आप सब तो बहुत खुश है ना, हर महीने पेंशन के पैसे मिलेगा, ऊपर से दादी माँ का देखभाल भी नहीं करना पड़ेगा।
और उन्हें समय पर खाना भी नहीं देना पड़ेगा। अब कौन क्या जवाब देगा? परिवार के सबसे छोटी सदस्य के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। चुपचाप खड़े थे। जिसने बरसों से अपने घर परिवार को बनाए हैं, एक दिन वही औरत कैसे उसी परिवार के बोझ बन जाते हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सिर्फ पैसा और पैसा। मानसिक मरीजों का पैसों का भूख कभी नहीं मिटता। इन जैसे लोगों की निर्ममता सच में हैरान कर देते हैं। घर की बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ते और सोचते हैं जितना जल्दी हो सके बोझ सिर से उतर जाए। लेकिन जब उस बोझ से पैसों का खुशबू आने लगती है, तब वे उस बोझ के ही पास फिर से लौट आते हैं। और दूसरी तरफ राधा और उसकी पति दोनों कितने अच्छे हैं। भले ही दोनों बहुत गरीब हैं, पर उन दोनों के दिल बहुत बड़ा था। बिना मांगने पर भी जब पैसे मिल रहे थे, तब भी वे दोनों लेने के लिए राजी नहीं हुए, बल्कि बिना खून के रिश्ते से होकर भी उस बूढ़ी औरत को रास्ते से घर लाती है। बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। शाबाश, तुम दोनों जैसे लोग आज भी हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी अभी भी कितना सुंदर है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। और आगे ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा के रखिए। और हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।